Hello everyone. So I am Sumant and I welcome all of you for this session. And in this particular session, हम एक important topic पर बात करेंगे. जैसे कि there are many ones those who are completely new for this banking exam 2022, right? ऐसा भी कुछ आप में से हो सकते हैं और maximum लोग होते हैं जो कि इस banking या एनी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है. और अभी स्पेशली बैंकिंग में क्यों, क्योंकि अभी अगर इंडिया का बात करें ना, तो मैक्सिमम वैकेंसीज आज इन प्रॉपर वे में जो एग्जाम होता है ना, वो अभी बैंकिंग जो आईपीएस हो या एसबीआई हो एंड डिफरेंट बैंक्स, वो लोग प्रॉपरली कंडक्ट करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट ही जो है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स बैंकिंग में क्यों आप अपेयर करते हैं, क्योंकि इट्स अमाउ विथ गुड सैलरी, ठीक है. और कंट्रोवर्सी टॉपिक में नहीं जाएंगे. आई एम ऑल्सो ए बैंकर एंड आई नो हाउ इट्स डिफरेंट, बट स्टिल इट्स ए गुड सैलरी. यू नो इट्स बेटर देन बीइंग अनएम्प्लॉयड टू डू समथिंग एंड ऑन फॉर योरसेल्फ, राइट. सो इसके लिए और एक ईयर हो सकता है एंड और एक गुड पोजिशन मिल जाता है आप लोगों को, एंड प्रॉपर एनवायरमेंट मिल जाता है टू वर्क. एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में भी जो प्रोसेस होता है ना, लेंथी होता है, पर यहाँ पर जो है बैंकिंग में प्रॉपर यू नो एक शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर एग्जाम हो जाता है एंड प्रॉपरली उसका रिजल्ट आ जाता है एंड प्रॉपर शेड्यूल के साथ ही कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है. सो इसीलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपना जो है प्रिपरेशन. सो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं ना एक एक सीट के लिए, इट्स लाइक 1:500, इट्स लाइक दैट. मतलब पकड़ लीजिए 2000-5000 आ रहा है ना, सो मोर देन 15 लाख लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर दिस, ठीक है. सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है. सो फॉर द फ्रेशर्स, दोज हु आर न्यू फॉर दिस बैंकिंग, देयर आर मेनी डाउट्स वे आर हैविंग. सो यू नो फर्स्ट वन इज हाउ टू प्रिपेयर एंड नेक्स्ट वन फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर, what to prepare and where to prepare and next और भी कुछ आ जाता है, ठीक है. how to manage ठीक है, पर मेन इंपोर्टेंट ये हो जाता है लास्ट में, जब आपके पास ये तीनों का आंसर आपके पास होगा ना, ये जो आंसर, then only you can apply the fourth question to upgrade these three answers, right? So how to prepare, what to prepare and where to prepare, ठीक है. And also जो WH और एक है ना when, that means ये तीनों को when to implement, right? So यहाँ पर हम फ्रेशर लोगों के लिए, जो लोग भी ये भी आपके लिए यूजफुल होगा, पकड़ लीजिए आप 3-4 या 5 months prepare करें, last year आपने प्री दिए हैं, आपका selection नहीं हुआ है, then consider yourself as a fresher. डोंट काउंट द ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर. आप ये फोकस करो कि आपका एग्जाम जिन लोगों का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, आप अपने आप को फ्रेशर काउंट करो, एक न्यू शुरुआत करो, यू नो ए न्यू बिगनिंग, देन ओनली आप जो है नेक्स्ट को जो है ना, अभी हमारा बैंकिंग एग्जाम है नेक्स्ट जो फर्स्ट आ जाएगा, पता है क्या, दैट इज SBI जूनियर एसोसिएट, ठीक है. सो ये अभी आपका जुलाई तक इसका प्री हो ही जाएगा, ठीक है. और नोटिफिकेशन आएगा तुरंत 15-20 डेज के अंदर आपका प्रिय हो जाएगा, उसका मेंस हो जाएगा, देन इट्स डन, ठीक है. सो क्या आप इसके लिए प्रिपेयर हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ, ठीक है. और फ्रेशर लोग जब आप ना देखो, फर्स्ट में एक वन बाय वन आई एम टेलिंग, ठीक है. सो फर्स्ट हम इसको किसको काउंट करेंगे, हाउ व्हाट एंड वेयर, फर्स्ट देख लेते हैं जो ये है ना क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट टू प्रिपेयर, ठीक है. सी आपको पहले जान लेना चाहिए बैंकिंग होता क्या है, इट्स लाइक ए ब्रिज, आप सबको पता होगा, ठीक है. अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है देन प्री को क्वालिफाई करना होगा. प्री को क्वालिफाई करने के लिए ऐसा नहीं कि यार बस प्रिपेयर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको ये सोचना मतलब समझना जरूरी है कि प्री में चाहिए क्या यार. अगर मैं अपना बात करूं, व्हेन आई वाज द लाइक कंप्लीटली न्यू फॉर दिस बैंकिंग एग्जाम, आई वाज थिंकिंग फॉर क्लरिकल एग्जाम, ठीक है. सो क्लरिकल एग्जाम के लिए मैं ये सोच रहा था कि 60 मिनट्स में लोग 80 कैसे कर सकते हैं. सी व्हाट आई वाज थिंकिंग, लोग सी हाउ कैसे लोग 60 मिनट में 80 कर लेते हैं. पीओ के लिए भी इतना हार्ड पजल, इतना ये है, कैसे एनालिसिस कर लेते हैं 60 मिनट्स में, एक मिनट में अगर
अगर एक भी करें ना तो 60 मैक्सिमम होना चाहिए, पर पीओ में भी अगर देखें हम 70-75 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, हाउ? सो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये आंसर आपको यूट्यूब ये सबसे आप वहां पर देख सकते हैं रेफरेंस, एज ए रेफरेंस यू कैन टेक इट, पर इसका जो एक्चुअल आंसर है ना आप खुद दे सकते हैं। सो उससे पहले आपको क्या कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप आपको ना ये जो प्री मेंस का ये तो है आपका कि मेंस आपका है पीआईबी ऑब्वियसली है, पर प्री के लिए मैं हम पहले बात करेंगे कि फ्रेशर्स आप लोगों को वन बाय वन जाएंगे, देन ओनली आप एक प्रोसीड्यूर वाइज करोगे, ठीक है? क्योंकि आप मेंस को जब तक आप प्री लेवल तक पूरा क्लियर नहीं हो जाओगे ना तो मेंस का हो ही नहीं सकता है। अगर आप मेंस कर भी लोगे अगर प्री क्लियर नहीं कर पाए तो क्या फायदा? सो जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट्स, ठीक है? सो प्री के लिए आपको क्या करना है, जो भी है ठीक है सिलेबस को पढ़िए। अगर आप एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड का बेसिक्स स्टार्ट करिए, ठीक है? एप्टीट्यूड का बेसिक्स का मतलब ये है हमें कैलकुलेशन से स्टार्ट करना है, देन परसेंटेज, देन रेशियो, ठीक है? और देन जो हो गया मिसलेनियस ट्रैफिक हो गया, वर्क जो टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है? और उसके बाद जो स्पीड हो गया, ठीक है? और कुछ चैप्टर्स है, समझ गए? देन हम जो रीजनिंग की बात करें, देन हम आपका पजल्स को जो है पजल्स से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगा ना, उसके बाद आपका फर्स्ट हो जाएगा इनइक्वालिटी, ठीक है? सिलॉग्स, देन और कुछ-कुछ है मिसलेनियस क्वेश्चंस, उसको कंप्लीट करें क्योंकि ये आपका फ्री में पक्का आ रहा है। यहां पर आपका आउट ऑफ 35 आपको 15 मार्क क्वेश्चंस मिसलेनियस आते हैं जो कि आप 7 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेक्स यू इन रीजनिंग दोस 15 मार्क्स, देन पजल जो आता है ना 20 मार्क्स उसमें से आप 10 मार्क्स इजीली कर सकते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंट डिफरेंट पजल्स करिए, आप इजी से जाइए, इजी पजल से जाइए, एंड नेक्स्ट वन बाय वन हम मॉडरेट उसके बाद हार्ड को सॉल्व करेंगे। जब हम इजी पजल्स को आपको जब आप फ्रेशर होते हैं ना आपको इजी पजल्स फर्स्ट ऐसा लग सकता है कि 10 मिनट्स, और इजी पजल्स को जब तक आप 2 मिनट्स के अंदर आप इजी पजल को सॉल्व नहीं कर रहे हो तब तक आप इजी पजल्स को फोकस करो। ऐसा नहीं है कि यू विल टेक इट समथिंग लाइक 1 मंथ, ये 1 मंथ नहीं, आपको विद इन 1 वीक के अंदर आप 10 मिनट्स है ना 2 मिनट्स में आ जाओगे, गॉट इट? सो लाइक वाइज हम फ्रेशर सेशन को ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जैसे कि हम आपके ट्रिप के बारे में बनाएंगे, अगर आपको चाहिए वाला सेशन देन शेयर करिए अपने जो फ्रेंड्स है, एंड हम एक के बाद एक आपकी जो रीजनिंग इंग्लिश तीनों को कवर करेंगे, ठीक है? सो दैट टाइम आई वाज आल्सो थिंकिंग लाइक दैट कि कैसे करते हैं। सो ये वाला जो कैसे सेशन है ना हमारा स्टार्ट हुआ खुद का एनालिसिस। मैं देखा कि जो क्राउड है, मैं एक बार जो गया था फर्स्ट मेरा था SBI PO का, ऐसे गया था विदाउट एनी प्रिपरेशन, मैं बस सोच रहा था करने के लिए, वहां पर मैं देखा लाख ऑफ स्टूडेंट, मतलब नॉट लाख ऑफ स्टूडेंट, इट्स लाइक मोर देन 1000 वो लोग निकल रहे थे, मैं जा रहा था एंट्री करने के लिए सेंटर में, तो इतने लोगों से मैं सोचा कैसे कम्पीट करूँ, अरे किस किस से कम्पीट करूँ, आई डोंट नो कि क्या है। तो उस टाइम से मैं चूज कर लिया कि आई विल कम्पीट विथ माई सेल्फ एंड मेरे को एवरी टाइम अपग्रेड करना है। उस टाइम भी लोग मॉक देते थे, मैं भी मॉक देता था, पर मैं उनके साथ ऐसा नहीं कि मेरे को मैं जो लाइब्रेरी में था ऐसा नहीं, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मेरे को उनके साथ उस लाइब्रेरी में टॉप करना है। आई वॉज फोकसिंग मेरे को रियल एग्जाम में अच्छा मार्क लाना है। दैट मीन्स यू शुड नो योर ओन लेवल, देन ओनली आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। सो ये जो क्राउड कॉम्पिटिशन चल रहा है ना टेलीग्राम में, क्विज अटेंड करो कौन हाई स्कोर है, इससे बच के रहो। You should participate in that, but इसीलिए कि आपको knowledge को expand करना है, gain करना है उसके लिए, ठीक है? So ये हो गया what, आपको जान लेना है कि क्या क्या हमें preparation करना है। That means you should know the syllabus, आपको क्या क्या cover करना है, you should know the syllabus, what to cover, ठीक है? Then how to cover मतलब कैसे कैसे, जैसे आपको पहले ऐसा नहीं कि mains हो रहा है then आप direct mains वजह में चले जाओ, ठीक है? So, यहां पर कैसे जैसे इजी लेवल में जाना है थोड़ा सा पूरा लोएस्ट लेवल से हम एक के बाद अपना लेवल को इंक्रीज करते रहेंगे, देन वेयर टू कवर, दैट मींस एस्पेक्ट सोर्सेस क्या है, दिस इज द बिगेस्ट थिंग क्विज नाउ एवरी फ्रेशर इज सर्चिंग फॉर, दैट मींस हम कहां से पढ़ें, स्टार्ट कहां से करें। अगर आप ऑनलाइन कोई फंडामेंटल पे ज्वाइन कर लो, ठीक है? अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो अभी आपको यूट्यूब मिलेगा, ठीक है? YouTube को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, ठीक है? अगर आप लाइव क्लासेस देख रहे हो बहुत सारे एजुकेटर्स से एंड गुड एजुकेटर्स से,
आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है, पर आपको उसको ऐसे देखना है कि सो दैट आपका टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। जैसे कि आप अगर यूट्यूब में कुछ सेशन देख रहे हैं, पहले पहले बेसिक से सही आप अपना सिलेबस शुरू मिस कर लिए हो कि क्या क्या प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर अपने वन बाय पढ़े, फर्स्ट 15 डेज या पकड़ लीजिए वन मंथ, 6 आवर हम पकड़ लेते, उसके हिसाब से आप वन मंथ के अंदर पूरा अपना जो है मैथ रीजनिंग का कुछ बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपका आपको लग रहा है कि आप भी और लोग हैं, देन टेक अनदर 15 डेज, देन पकड़ लीजिए आपका है 40 डेज का टारगेट रखिए। वहां पर आपको फुली फंडामेंटल क्लियर करना है, बेसिक्स फंडामेंटल एंड इजी लेवल का कुछ प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके लिए आपको सोर्स मिल जाएगा वाइट यूट्यूब, ठीक है। और इसके साथ साथ में कुछ जो है पीडीएफ्स को ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो, अपने लेवल में फॉलो करो। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का आप 30 40 50 100 क्वेश्चन कर लो, एक दे पास इनइक्वालिटी कर लो, सिलेक्ट करना एक दे 100 सिलेक्ट कर लो, दैट्स द वन ईयर। और आपको उसी को दैट्स योर कॉन्सेप्ट्स, दैट्स योर कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, उसके बेसिस में मॉक वार्डन करना है। ऐसा नहीं कि आप यहां पर जाके मॉक देना है, ठीक है, आपका ये बेसिस हो गया, यू कैन अपीयर फॉर वन मॉक सो दैट यू कैन नो योर ओन लेवल, ठीक है। पर उसके बाद आपका ये हो गया, ठीक है, मैथ्स में हो गया, आपको सिंप्लीफिकेशन पक्का आता है, क्लॉरिकल एग्जाम अगर एसए क्लॉर का बात करें, एलपीएस क्लॉर, अरबिक क्लॉर, उसमें सिंप्लीफिकेशन पक्का आ जाता है, 7-8 मार्क्स का 5 मार्क्स तो मिनिमम आता है ना। देन और एक आ जाता है आपका क्या था, सीरीज नंबर सीरीज वगैरह, तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसका भी 50-50, 100-100 का लगा लो इजीली। फर्स्ट ये जानो कि कैसे शॉर्टकट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही आप टारगेट कर करके ऐसे ही आप हाउ व्हाट एंड व्हेयर टू डू ये तीनों का आंसर सर्च करिए, उसके बाद हमें मिल जाएगा हाउ टू मैनेज। और ये हाउ टू मैनेज में और एक पहले हम उसके बाद एप्टीट्यूड रीजनिंग को थोड़ा थोड़ा फ्रेशर सीरीज के लिए हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हाउ टू मैनेज ऑल द जो है हमारा सोर्सेस रहेगा उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन प्रॉपरली एग्जीक्यूट एंड वेल यूटिलाइज ऑल द सोर्सेस व्हाट एवर यू हैव, ठीक है। सो बिफोर दैट जस्ट टॉस्ट योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर लोगों को 2-3 ईयर्स ऐसे 4-5 ईयर्स भी प्रिपेयर करते हैं, फिर भी उनको लास्ट में 0.25 समथिंग में उनका बीच हो जाता है एंड लोग उसको छोड़ देते हैं। और ऐसे भी एग्जाम्पल से यू कैन टेक मी आज वेल, ठीक है, जो लोग का 3 मंथ में भी फर्स्ट भी क्लियर हुआ है एंड 7-8 मंथ के अंदर उनका कंप्लीटली सिलेक्शन हुआ है, ठीक। एंड इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंटली यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, ठीक है। आपको ये वाला के लिए प्रॉपर ट्रस्ट अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए एंड आपको बस अपना एफर्ट्स को स्मार्टली देना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे ही कुछ और भी होगा, ठीक है, एंड ये जो एग्जाम्पल दिया इसमें से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सो आई हैव ऑल्सो क्लियर दिस प्री फर्स्ट प्री इन 3 मंथ्स, ऐसा नहीं कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को पता था कि मैं 3 मंथ में कर लूंगा, पर मैं उस 3 मंथ में अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैं एफर्ट्स दिया था इसीलिए मेरा क्लियर हुआ था सर, क्योंकि उस पे है उसका एक अलग स्टोरी है, वही बात करेंगे। एंड मेरा 7-8 मंथ के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ऐसा नहीं मेरे को पता था कि मेरा 8 मंथ होगा। एंड ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैं इसके लिए क्या बैकअप किया था, मेरे को पता नहीं था कि मेरा 6-7 मंथ या 8 मंथ के अंदर मेरा सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए मेरे पास कुछ मैं अपना बैकअप क्रिएट किया था। यू नो फैमिली हमारे सपोर्ट करता है, फिर भी हमें कुछ अपने सेल पे डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि यू नो लाइफ हमारा है, सो स्ट्रगल भी हमारा होना है, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट्स मेरा था, सो दिस इज माय लाइफ एंड दिस इज माय स्ट्रगल, सो इस पॉइंट के ऊपर मैंने कुछ अपना बैकअप भी क्रिएट किया था, ठीक है। सो आई विल ऑल्सो शेयर, ठीक है। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेटिंग टू मी एंड वेल एंड बहुत सारे एस्पिरेंट लोगों का, सो आई विल शेयर ऑल दोस थिंग्स और साथ में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा ये जो तीनों क्वेश्चन के साथ हमें इसे कैसे मैनेज कर लेना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड इफ यू लाइक इट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी विल हैव मोर एंड मोर सेशन इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज। सो होपफुली यू गाइस आर डूइंग वेल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।